यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सीलरेशन। हमने स्पीड पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसी तरह से एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने में। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते थे, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी टाइम इनिशियल टाइम t1 पे किसी बॉडी की वेलोसिटी v1 और फाइनल टाइम t2 पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हुई, तो जो वेलोसिटी में चेंज आया v2 माइनस v1 और जो टाइम में चेंज आया t2 माइनस t1, इस रेशो को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ऐसे भी कह सकते हैं Δv अपॉन Δt, जो v2 और v1 का डिफरेंस है उसको Δv लिखा, और t2 और t1 का रेशियो है वो डिफरेंस है उसको Δt लिख दिया। तो इसकी यूनिट वही हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी हुई है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और फिर नीचे टाइम है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अब इसमें आता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहे, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा हो वेलोसिटी में। तो मैं इसको लिख देता हूँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में बस कोई भी एक अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक होता है जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन का जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था Δv/Δt, इस ए की वैल्यू जीरो कब आ सकती है, जब Δv 0, Δt 0 होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, Δv 0 हो, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो। टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तब हम कहते हैं उसमें जीरो एक्सीलरेशन है। जीरो एक्सीलरेशन तो जीरो एक्सीलरेशन के दो केस हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर वन, बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, दूसरे यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी जीरो एक्सीलरेशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कितना होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है नो चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है,
पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम व्हेन वेलोसिटी चेंजेज सच दैट इट इंक्रीजेज विद टाइम देन एक्सीलरेशन जनरेटेड इन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड व्हेन वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम देन इट्स एक्सीलरेशन इज कॉल्ड निगेटिव एक्सीलरेशन। इस निगेटिव एक्सीलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन, एक और नाम है डिसिलरेशन। किसी भी नाम से न्यूमेरिकल में भी या थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, निगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या डिसिलरेशन। और रीजन मैंने बता दिया, व्हेन वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम देन इट्स एक्सीलरेशन इज कॉल्ड निगेटिव एक्सीलरेशन। अब इसके कुछ ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ भी बोल देते हैं। नंबर वन, सबसे पहला ग्राफ खींचते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इस एक्सिस पे मान लीजिए वी खींचते हैं, इस एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं। अगर मैं उसी तरह से एक टेबल कंसीडर करूं, यहां पे टाइम सेकंड में लेता हूं, यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लेता हूँ, टाइम मेरा 0, 5, 10, 15, 20 सेकंड्स, वेलोसिटी मान लीजिए मैं लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड। जब मैंने घड़ी चलाई, टाइम स्टार्ट किया, तब मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और मेरी मोशन है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब है मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई होगी, यानी 5 सेकंड बाद भी, 10 सेकंड बाद भी, 15 सेकंड बाद भी, 20 सेकंड बाद भी मेरी वेलोसिटी 10 ही थी, मैं यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा हूँ। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सीलरेशन हुआ 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ फिर दोबारा 0 एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगाए हुए हैं, तो मेरा ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। हर एक टाइम पे मेरी वेलोसिटी 10 है, तो ये मेरा ग्राफ आ जाएगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता, इससे पिछले की बात कर रहा हूँ रिवीजन, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ होता x और मेरा ग्राफ ऐसे होता, तो मुझे कहना पड़ता मेरी बॉडी रेस्ट में है। अब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। ध्यान रखने की बात है कि जब पोजिशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचा था तो ग्राफ इस तरह से आया था, एक बार रिवीजन कर लेना उसका। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरह से, और उसी ग्राफ को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खींचते हैं तो इस तरह से। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ड्रॉ किए गए ग्राफ को, जो यूनिफॉर्म मोशन में था, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खींचिए। तो ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं, वो पोजीशन टाइम ग्राफ में और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सेकंड लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये वीटी ग्राफ हम खींच रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन था, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यानी अगर मैं टेबल बनाऊँ टाइम सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिया, टाइम 0, 5, 10, 15, 20, अगर स्टार्टिंग में मेरी वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद अगर 5 हुई, चलो 10 ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, तो इक्वल टाइम इंटरवल है 5-5 सेकंड का, और नीचे वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो रहा है 10-10 मीटर पर सेकंड का, इसलिए इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में भी इक्वल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और वो भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव।
एंड यूनिफॉर्म ऑल्सो। तो इसका ग्राफ इस तरह से इधर वेलोसिटी निशान लगा लेते हैं, 0 पे 0, 5 पे 10, 10 पे 20, 15 पे 30, 20 पे 40, और ये एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ, और पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा ही ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का। चलिए, ये ग्राफ तो तब था जब बॉडी हमारी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई थी। अगर जब हमने घड़ी चलाई तो गाड़ी पीछे से आ रही थी, और हमारी घड़ी चालू करते टाइम उसकी स्पीड जीरो नहीं थी, हो सकता है यहाँ पे 10 हो, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, तो आगे 20, 30, 40 ऐसे हो गई होगी, 50 हो गई होगी। तो अब हमारा ग्राफ यहाँ से हो जाता उसी तरह से स्ट्रेट लाइन। तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। इस तरह से बहुत सारे ग्राफ हैं, एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट उनको। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ वीटी ग्राफ कैसे होगा? अगर ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा और पॉजिटिव होगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वो भी इक्वल क्वांटिटी में नहीं, अनइक्वल क्वांटिटी में। यहाँ पे वेलोसिटी 5 थी इनिशियली, 5 क्या, इसको चलिए 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ये इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, 5 सेकंड बाद 10 हुई, फिर 35 हो गई, फिर 75 हो गई, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में नहीं, अनइक्वल क्वांटिटी में। ऐसा ग्राफ आ जाएगा इस तरह से बढ़ता जाएगा। जीरो पे जीरो आ गया, 5 पे 10, 10 पे 35, करीब यहाँ जाएगा, 15 पे 75, करीब करीब यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता हो जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव एक्सीलरेशन का हो सकता है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखिए, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वीटी ग्राफ आया था इस तरह से, तो नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव में आ जाना चाहिए इस तरह से। नेगेटिव वेलोसिटी का भी ग्राफ ऐसे ही खिंचवाया था, नेगेटिव एक्सीलरेशन का भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। बस नेगेटिव वेलोसिटी में यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स और यहाँ टाइम टी होता था, और नेगेटिव एक्सीलरेशन में यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक बार इसकी टेबल बना लेते हैं और देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए टेबल है ये,
टाइम सेकंड्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड्स में, 0, 5, 10, 15, 20। स्टार्टिंग में मान लीजिए हमारी स्पीड थी 40, उसके बाद 35, यहाँ से कर लेता हूँ 0, 10, 20, 30, 40। स्टार्टिंग में हमारी स्पीड 40 थी, ये कैसे हो सकता है बोला कि जब गाड़ी हमारे पास आई तब हमने घड़ी चालू की, और जिस टाइम वो हमारे पास आई उसकी स्पीड 40 थी, उसने ब्रेक लगाने शुरू किया और धीरे धीरे वो 20 सेकंड बाद जाके रुक गई। तो ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, देखिए इक्वल टाइम 5-5 सेकंड में इक्वल चेंज 10-10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इसमें कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसमें ग्राफ खींच लेते हैं, तो जीरो पे स्पीड है 40, 5 पे 30 ये आ जाएगा यहाँ, 10 पे 20, 5 पे 30 ये, 10 पे 20 इस तरह से, 15 पे 10 ये, और 20 पे 0। तो करीब करीब इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये मैं थोड़ा सा ठीक से लग नहीं पाए निशान, इस तरह से आ जाएंगे, स्केल होता तो बिल्कुल ठीक लग जाते, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा अपना। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, नेगेटिव एक्सीलेशन। अब जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हम वेलोसिटी निकाल लेते थे, उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, एक्सीलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए ये वेलोसिटी, ये टाइम, और मेरा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ये है, मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मेरा ग्राफ ये है, तो इस पर उसी तरह से दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, और इनके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी, ये मान लेता हूँ वी ए वेलोसिटी है, और ये मान लीजिए वी बी वेलोसिटी है, और इन्हीं के कोरस्पोंडिंग टाइम ये T1, और इसके कोरस्पोंडिंग टाइम T2, और इस ट्राइंगल को आगे बढ़ा के ये पॉइंट सी मान लेता हूँ बिल्कुल उसी वे में, और ये एंगल मान लेता हूँ थीटा, और इन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस वी बी और वी ए का ये हो गया मान लीजिए डेल्टा वी, यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी मान लीजिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से टेन थीटा निकालता हूँ तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का क्या है बी सी, और बेस क्या है ए सी, और बी सी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो डेल्टा वी, और ए सी का लिखता हूँ तो डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो हमने एक्सीलेशन पढ़ा था अभी, तो यही हमारा एक्सीलेशन होता है। तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू एक्सीलेशन, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलेशन देता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सीलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और इसमें टर्म निकल के आती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है, ये इसको मैं मिटा देता हूं एक बार।
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, अभी देखते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो ग्राफ इस तरह से आएगा, सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं इस टाइम टी इक्वल टू जीरो से लेके और टाइम यहाँ टी तक, ये मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया होता है, ये रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, एरिया होता है दो साइड का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू विड्थ। और जीरो से यहाँ तक की स्पीड मान लीजिए वी हो गई है, और जीरो से यहाँ तक का टाइम अगर टी हो गया है, तो इस साइड की वेलोसिटी का देखूँ जितनी भी डिफरेंस आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे चेंज हुआ है वी और जीरो का डिफरेंस यानी वी, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम में चेंज आ गया है जीरो से टी तक का यानी ये। और अगर इस डायग्राम से मैं एरिया निकालता हूँ तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या आ गया, दोनों साइड की मल्टीप्लाई वी इंटू टी, और ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी एरिया ने क्या दिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं कहेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो ये आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, चलिए इसको तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।